गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. ओके, तो आज हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में, क्योंकि हम ये यहाँ तक पढ़ चुके थे पेज नंबर 24 में, कि हमने जो ये अमन एंड रंजन की स्टोरी पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सेकेंड वन क्या है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. ओके, तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मैंने कुछ आपको बताया था कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है. तो देखिए, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट. ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं, छोटे छोटे मतलब हेल्थ सेंटर बना दिए जाते हैं रूरल एरियाज में. ओके, और ये जो एक तरह से एक चेन होती है, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर कुछ कुछ दूरी पे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों को अगर नॉर्मल कोई छोटी मोटी बीमारी है, कोई कम्युनिकेबल डिजीजेज है, तो उनकी वो जो बीमारी है उसको दूर किया जा सके. देन दे लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल अर्बन एरियाज. तो ये जो आप पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पढ़ रहे हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों जगह ही कवर किया जाता है. दोनों जगह ये PHC जो होते हैं छोटे छोटे पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, जिससे कि लोगों की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनको हेल्दी किया जा सके. ओके, देन देखिए, काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो छोटी मोटी बीमारी होती है उनको भी ट्रीट किया जाता है, और अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो उसकी भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट किया जाता है. ओके, एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर. और अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ पे हेल्थ सेंटर होते हैं, छोटे छोटे कई सारे हेल्थ सेंटर होते हैं जहाँ पे नर्सेज होती हैं, विलेज के कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि वो भी उसमें कोऑपरेट करते हैं. ओके, दे आर ट्रेंड इन डीलिंग, क्योंकि नर्सेज को और विलेज वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो नॉर्मल जो छोटी मोटी जैसे बुखार है, सर्दी जुकाम है ना, मलेरिया, इन सब चीज़ों को वो इतना उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो लोगों को ट्रीट कर सके. ओके, देन देखिए, दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द. और ये जो नर्सेज होते हैं और ये विलेज वर्कर्स होते हैं, किसके सुपरविजन में काम करते हैं, जो PHC के मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके सुपरविजन के अंदर ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं और ये सीखते हैं कि किस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है जब छोटी मोटी बीमारियाँ कॉमन इलनेस हो जाती हैं. तो ओके, PHC जो होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे जो हेल्थ सेंटर होते हैं उनका ब्रांच हेड होता है ना, उनको कौन सुपरविजन करता है, PHC है ना. गांव में छोटे छोटे, क्योंकि गांव में हॉस्पिटल तो खुलते नहीं, वहाँ छोटे छोटे हेल्थ सेंटर खोल दिए जाते हैं जिसको कौन सुपरविजन करता है, PHC. ओके, पब्लिक हेल्थ सेंटर. सच अ सेंटर कवर मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया. तो छोटे छोटे कई सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं. ओके, इस तरीके से दैट सुपरवाइज ऑल द. और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम क्या होता है कि वो सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर को सुपरविजन करते हैं. लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट, और बड़े बड़े सिटीज़ में आपको पता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि अमन जिस हॉस्पिटल में गया था उस तरीके से है ना. गाँव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे अपने रीवा में भी है, देखिए संजय गांधी हॉस्पिटल जो है ना, इस तरीके से. अब देखिए, द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक. हेल्थ सर्विस को पब्लिक कहा गया है फॉर मैनी रीजन, कई कारणों से हेल्थ सर्विस को पब्लिक कहा गया है. इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर व्यक्ति को समानता से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, उनकी बीमारियों को दूर करके उन्हें स्वस्थ बनाया जाए. ये सबसे पहले सरकार का ही सबसे पहला कर्तव्य है. ओके, इसके बाद देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश दीज हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर. गवर्नमेंट ही, ये जो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट ही इन्हें स्थापित करती है, इनके जो खर्चे होते हैं वो गवर्नमेंट उठाती है. ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्स. अब देखिए, सरकार ये जो हॉस्पिटल बनवाती है हमारे लिए, दवाइयाँ जो इतनी सस्ती होती हैं या तो एकदम फ्री होती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है कि वो ये सारी चीज़ें मुफ्त में देती है या कम कॉस्ट में, कम कीमत में हमें प्रोवाइड कराती है ना. जो हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब फ्री होते हैं, तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास थ्रू द टैक्सेस आता है. कौन से टैक्सेस, जो टैक्स हम पे करते हैं ना, वाटर टैक्सेस हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस, हाउस टैक्सेस. फिर यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी, गवर्नमेंट टैक्स जो
टैक्स जनता भरती है सरकार को, उसी टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट रोल करती है हमारी ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये सरकारी अस्पताल चलाने के लिए, सरकारी जो भी आपको इंस्टीट्यूशन दिखते हैं उनको रन करने के लिए गवर्नमेंट हमारे दिए हुए टैक्सों का ही इस्तेमाल करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन, जिससे कि हर नागरिक का भला हो सके, उसके भलाई में कुछ कार्य हो सके। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज, यहाँ से सब जगह से उनको टैक्स मिलते हैं गवर्नमेंट को, जिसके वजह से अच्छे तरीके से सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा पाते हैं। ओके, तो देखिए फिर यहाँ लिखा हुआ है कि ऑप्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू गवर्नमेंट टैक्सेस, हम जो पैसे गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्स के रूप में, उसी पैसे से सारी फैसिलिटीज रन होती हैं। हैंस सच फैसिलिटीज आर मीन फॉर एवरीवन, जिस इसलिए कहा गया है कि ये सर्विसेज जो होती हैं वो सबके लिए होती हैं, जो सरकार के द्वारा हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं वो एक के लिए नहीं, गरीब या अमीर के लिए नहीं होती, वो सबके लिए एक समान होती हैं। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है, दैट इज मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। और सरकार की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तरह से आप कह सकते हैं पॉलिसी कह सकते हैं, कि वो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं वो हर एक सिटीजन को एक बराबर, एक समानता के साथ उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि वहाँ कोई भी भेदभाव ना हो और क्वालिटी होती है उनकी सर्विसेज में। क्या होती है क्वालिटी? होती है कि उन्हें जो बीमारी है उसी की दवाई, उसी का ट्रीटमेंट कराया जाता है। ये नहीं कि जैसे कि अब अगर आप प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ अगर आपको छोटी सी बीमारी है तो वो उसको बड़ा करके आपको कई बीमारियाँ बता देंगे, जिससे वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, जिससे कि उनकी दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप ले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो टेस्ट लिख देते हैं ना इस तरीके से। तो ये हो गया अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का, कि वो टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड, और वो तुरंत एक्शन लेते हैं अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे मलेरिया, टीवी, जॉइंडिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां जो होती हैं इनके ट्रीटमेंट सरकार जो है कम से कम पैसों में करती हैं या तो फिर मुफ्त करती है, ठीक है ना। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये जो है सरकार के द्वारा चलाया जाता है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, जिसमें कि लोगों की भी भागीदारी होती है, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। अगर लोगों की भागीदारी, लोगों का कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी कार्य नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट, जैसे आप देखते होंगे गाँव में कई बार कैंपेन वगैरह आते हैं ना कि साफ सफाई रखिए, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, ऐसे कैंपेन आते हैं ना मलेरिया से बचने के लिए होता है, जब बरसात का मौसम आता है तो ऐसे कैंपेन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी बताया गया कि मॉस्किटो को कभी भी आप छत में पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, गर्मी ख़त्म होते ही कूलर का पानी साफ कीजिए, जिससे वहाँ मच्छर इकट्ठे ना हो और आपको मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया से सफ़र ना करना पड़े। देखिए रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, अगर आप हकीम शेख का केस जो था हमने अभी पढ़ा था उसमें अगर आप याद करें, तो वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहेंगे कि उस केस के बाद कोर्ट का क्या डिसीजन हुआ था? चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे संविधान के अनुसार ये सबसे पहली ड्यूटी है गवर्नमेंट की, हर एक सिटीजन को उसके एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। तो सरकार की सबसे पहली प्राइमरी ये ड्यूटी होती है कि वो लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा सके, अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे कि उनको कोई भी तकलीफ ना हो, वो भी कम पैसों में या मुफ्त में। सरकार का सबसे पहला जो ड्यूटी या उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है वो यही होती है कि लोगों को वो अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सके। द गवर्नमेंट मस्ट सेव गार्ड द राइट टू लाइफ, गवर्नमेंट का हमेशा से सोचना ये होता है कि उनको हर एक नागरिक की जान बचानी है, उन्हें कोई भी बीमारी से जूझने से उनको जल्द से जल्द राहत दिलानी है। द कोर्ट सेड दैट द डिफ़िकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से हाकिम शेख को 8 से 10 हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिनाई कर दिया गया उन्हें एडमिट करने से, इस तरीके से हाकिम शेख की जान भी जा सकती थी, उनको अपनी इस चोट को अपनी जान से चुकाना पड़ सकता था उनकी, अगर उन्हें सही से ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलता तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली, अगर हॉस्पिटल ही समय से उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराएगा तो किस तरीके से लोग भरोसा कर पाएंगे सरकार पर। ओके, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, इसीलिए सरकार का सबसे पहला प्राइमरी ड्यूटी ये है कि सारे सिटीजन्स को बराबर से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाए। द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट ने यह भी कहा दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज,
कोर्ट का ये भी कहना है कि लोगों को ज़रूरी जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि जब हाकिम सेफ को 8 से 10 हॉस्पिटल ने डिनाई कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उन्हें मजबूरन में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा जहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट के पैसे चुकाने पड़े, जिसकी वजह से हाकिम सेख बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि उनके गांव में या उनके शहर में इतने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर भी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाया। यहां तक कि उन्होंने उन्हें देखने की भी कोशिश नहीं की, डायरेक्ट मना कर दिया कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं, ऐसा कह के उन्होंने डिनाई कर दिया फैसिलिटीज़ देने से, जिससे कि हाकिम सेख बहुत नाराज़ थे। ओके, इट वॉज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। तो यह हमारे देश में जो हमारी सरकार उसका ये कर्तव्य होता है कि वो हर एक नागरिक को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा सके, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन। एमरजेंसी सिचुएशन में तो बिल्कुल हर पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को पूरी तरह से मरीज की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए उस टाइम पे। हाकिम सेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट। हाकिम सेख को ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया गया था एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे सरकारी जो अस्पताल थे वहाँ मना कर दिया गया था। देयरफोर इसीलिए कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि इनके जितने भी पैसे खर्च हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सारा पे कौन करेगा, राज्य सरकार हाकिम सेख को पे करके देंगे। अब देखिए, हमने पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हमें जो सर्विसेज है वो कैसे प्रोवाइड कराती है, तो कम पैसों में या तो मुफ्त में और पूरी जिम्मेदारी के साथ, है ना। तो ये बताया गया है कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी जो लापरवाही है केयरलेस नहीं होनी चाहिए। ओके, सबको केयरफुल रहना चाहिए हर पेशेंट के लिए। अब देखिए, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज अगर हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, एक लेडीज़ बनी हुई है और एक छोटा बच्चा, उसमें बताया जा रहा है कि यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बच्चों के बारे में, चिल्ड्रेन एमरजेंसी फंड उसमें होता है, बताया जाता है कि हर साल कम से कम 2 मिलियन चिल्ड्रेन की डेथ होती है इन फैलने वाली बीमारियों की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, जिनसे कि बचाया जा सकता है। अब देखिए प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो देखा जाए तो प्राइवेट हेल्थ अब बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैलने लगा है शहरों में, गांव में सबसे ज़्यादा, तो ये शहरों में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ फैलने लगी है। दैट एग्जिस्ट इन आर कंट्री, अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर अब अपने क्लिनिक, खुद के क्लिनिक खोलने लगे हैं शहरों में। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो वहाँ पे क्या होते हैं कि यही छोटे छोटे पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं अर्बन जो रूरल एरियाज है, या फिर एक हॉस्पिटल खोल देते हैं छोटा सा, है ना। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, शहरों में कई बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विसेज, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, है ना, लोगों को, जिससे कि लोग प्राइवेट की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। देयर आर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, वहाँ शहरों में कई प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, जहाँ पर लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, साफ सफाई होती है। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल में कई लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे एक्सरे होते हैं, उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, सारे चेकअप्स होते हैं, उनकी खुद की उनके हॉस्पिटल के बगल में ही मेडिकल शॉप होती है जहाँ से वो मेडिसिन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ज़्यादा तेज़ी से वो पैसे लोगों से गेन कर पा रही है। और फिर आगे देखते हैं, एज द नेम, नाउ टर्न एट पेज नंबर 26, एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है इनमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ये खुद के लोगों के खुद के क्लिनिक होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, जिनमें कि सारा का सारा फंड जो होता है वो उन्हीं लोगों को मिलता है, गवर्नमेंट को कोई इसमें से फंड नहीं मिलते हैं। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट हैव टू पे। अगर हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात करें और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की, तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में लोगों को मुफ्त या बहुत ही कम दामों में मेडिसिन या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, वहीं पर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है पेमेंट करने में। ओके, टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज की अगर बात करें तो प्राइवेट फैसिलिटीज आपके चारों तरफ, आपको सिर्फ प्राइवेट फैसिलिटी, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक ही मिलेंगे। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज, यहाँ तक कि अब तो हॉस्पिटल के कई फ्रेंचाइजी, कई ब्रांचेस खुल चुके हैं अलग अलग शहरों में, है ना, इस तरीके दैट रन हॉस्पिटल एंड सम आर एंगेज्ड। और कुछ हॉस्पिटल्स तो कहाँ बिजी हैं, दवाइयों को बनाने में, दवाइयों को मैन्युफैक्चर करने में, और उनकी भी ब्रांच खोलने में, अलग अलग शहरों में अलग अलग मेडिकल शॉप खोल के अपनी अर्निंग करने में। हर आपको देश के हर कोने में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स दिखेंगे और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट
प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब बचा है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।